Hello everyone, welcome to Chemistry Chat Chat, and this is the part number 12th So, guys, in this, we will discuss some question answers of this particular chapter that is Matter Around Us Pure. So, question number 1st Name the technique to separate milk and groundnut oil.

एपरेटस विच इज़ नोन एज दैपरेटिंग फनल एंड आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हों तो प्लीज़ उसको देख लो क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आपको जो पुराना है वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे कि सेपरेटिंग फ़नल क्या होता है मिसेबल इमिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं सो तो प्लीज़ उनको देख लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो नेक्स्ट इज़ बटर फ्रॉम दी कर्ड अब कर्ड में से बटर को हमें निकालना है सो दैट मीन्स इन दिस टेक्निक वी आर यूजिंग द सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड इस टेक्निक में क्या होता है इसमें हम एक इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्री फ्यूज सो वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है जिसके थ्रू क्या होता है बटर जो है वो कर्ड में से सेपरेट हो जाता है देन थर्ड दैट इज सॉल्ट फ्रॉम दी सी वाटर सो इसको सेपरेट करा जाता है बाय द प्रोसेस दैट इज द इवेपरेशन ठीक है सो नेक्स्ट इज डाई विच इज़ प्रेजेंट इन दी फाउंटेन पैन इंक सो बेसिकली डाई जो भी हमारी फाउंटेन पैन इंक में जो होती है प्रेजेंट सो उसमें क्या होते हैं कुछ माइन्यूट अमाउंट में केमिकल प्रजेंट होते हैं सो दोज पर्टिकुलर केमिकल दोज पर्टिकुलर डाई इज सेपरेटेड बाई दी पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच डज़ नॉट अंडर गो दी सब्लिमेशन सब्लिमेशन में कौन सा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा कैम्फर सिलीका ड्राई आईज आयोडीन so sublimation it is a simply a process by which a solid directly converted into the gas even without changing into liquid सो कैम्फ़र मीन्स कपूर वो जो होता है वो ईजिली पार्टिसिपेट कर लेता है सब्लिमेशन प्रोसेस में देन सिलिका सिलिका जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता थर्ड वन ड्राई आइज़ ड्राई आइज़ मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेता है एंड थर्ड लास्ट वन इज़ आयोडीन आयोडीन भी सब्लिमेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेता है सो so, सिलिका के अलावा जो तीनों हैं हमारे फ़र्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन वो आराम से पार्टिसिपेट कर लेते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में एंड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सो राइट आंसर इज सिलिका नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एयर बाय दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन एंड हाइड्रोजन सो बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक वी आर सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड्स ठीक है सो so एयर में जो भी हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉयलिंग पॉइंट सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑर्गन जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं बट हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती बिकॉज हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और जब वो वहाँ से क्या करती है उनके बीच में क्या होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वो आपस में अटैच होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है जब इस टेक्निक को अप्लाई करा जाता है उस पर तो क्या होता है हाइड्रोजन का अमाउंट इतना ज़्यादा कम होता है कि वो जो है वो कंप्लीट uh, तरीके से सेपरेट नहीं हो पाती है राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ हाउ वेल वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड प्लस आयरन फिलिंग एंड नेक्स्ट मिक्सचर इज मरकरी प्लस ऑयल प्लस वाटर सो गाइस फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है आपको दिखने को मिल रहा होगा इस मिक्सचर में आयरन फिलिंग है एंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अगर हमारा आयरन कंपोनेंट आता है तो देन वी आर यूजिंग द मैग्नेट हम मैग्नेट को यूज़ करेंगे सो so हमारा आयरन फिलिंग वाला जो पार्ट है वो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगी मैगनेट के थ्रू देन अब हमारा जो मिक्सर बचा उसमें क्या रहेगा सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड सो वैन वी आर यूजिंग द वाटर एज दॉल्वेंट जब हमने वाटर तो सेंड जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिक्सचर ठीक है सो नाउ सेकेंड मिक्सचर इज दी मरकरी प्लस ऑयल प्लस वाटर सो ये क्या होता है ये हमारा इमिसेबल लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन है सो बाय दिस वी आर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल को यूज करेंगे हम यहाँ पर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ईच वन गेट सेपरेटेड फ्राम ईच अदर ठीक है सो नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नैपथलिन कैन सेपरेटेड फ्रॉम सेंड अब हमें यह बताना है कि नेपथेलिन को हम सेंड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाई दी क्रिस्टलाइजेशन मैथड बाई डिस्टलेशन बाय सब्लिमेशन एंड बाई यूजिंग वाटर एज दॉल्वेंट सो सिंपली हम सब्लीमेशन टेक्निक यूज करेंगे बिकॉज इससे क्या होगा डायरेक्टली नेपथलिन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेंट जो है हमारी वो बच जाएगी नाव क्वेश्चन नंबर सिक्स टू मेक द सैचूरेटेड सोल्यूशन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिजॉल्व इन दी हंड्रेड ग्राम ऑफ दाटर एट टू नाइन्टी थ्री कैल्वन टेम्परेचर देन फाइंड आउट स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर सो हमको क्या करना है हमको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाना है जिसमें कि 36 ग्राम के सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम के वाटर में डाला जाता है एंड 293 नाइन्टी कैलविन का टेम्परेचर होता है इसका सो so कॉन्सेंट्रेशन हमें बतानी है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सो एज़ ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ एन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज़ थर्टी ग्राम सो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे देन मास ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर सो ये कितना हो जाएगा हमारा हंड्रेड ग्राम हो जाएगा देन We have to find out the mass of solution. So mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent. So 100 plus 36 is equals to 136 gram, right? So next we have to find out the concentration of solution. Then we simply putting the formula, mass of solute divided by the mass of solution multiplied by the 100. Then we simply put the value in this particular formula. That is 36. अपॉन वन थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर सेवेन परसेंट सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन

एसओ फोर होल्टवाइज डॉट ट्वेल्व एच टू ओ राइट सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस वी हैव टू आइडेंटिफाई विस टाइप ऑफ चेंजेस आर देर फिजिकल और द केमिकल चेंज मेकिंग फ्रूट सैलड विद द रॉ फ्रूट्स आप क्या कर रहे हो फ्रूट से क्या बना रहे हो सिंपली सैलड बना रहे हो सो इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ठीक है सो दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज इट इज़ अ टेम्पररी चेंज सो नेक्स्ट बर्निंग ऑफ देपर एंड दुड आपने क्या करा पेपर और वुड को जला दिया जब आप उसको जलाओगे देन यू गैट देश सो दिस इज दूस ऑप्शन एंड इट इज दर्मानेंट चेंज सो इट इज दी केमिकल चेंज फाइन नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज दी होमोजीनियस एंड दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर सो सोडा वाटर देन फिल्टर्ड टी देन एयर देन सॉइल देन विनेगर एंड लास्ट वन इज द बुड सो होमोजीनियस मिक्सचर वी नो वेरी वेल एज वेल एज हेट्रोजीनियस वी नो वेरी वेल सो होमोजीनियस जो होते हैं वो हमारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें आपको कोई भी सेपरेटिव बाउंड्री किसी भी सब्सटेंस की नहीं मिलती है ठीक है और हेट्रोजीनियस में आपको अलग अलग बाउंड्रीज अलग अलग सब्सटेंस की देखने को मिलती हैं सो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारा हो जाएगा सोडा वाटर ठीक है प्योर एयर हो जाएगी क्योंकि एयर भी हमारी टू टाइप्स की होती है फर्स्ट इज प्योर एयर सेकेंड वन इज दी पॉल्यूटेड एयर ठीक है सो प्योर एयर इज दी होमोजीनियस नेक्स्ट विनेगर एंड देन फिल्टर्ड टी ठीक है छनी हुई चाय सो फिल्टर्ड टी जो है वो भी हमारी होमोजीनियस होगी सो नेक्स्ट इज दी हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस में हमारा क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा सॉइल हो जाएगा एंड पोल्यूटेड एयर राइट सो नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू एलिमेंट मिक्सचर एंड द कम्पाउंडस सो फ्रॉम दीज वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन आर एलिमेंट एंड विच वन आर मिक्सचर एंड विच वन आर दी कम्पाउंड सो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एयर सोप टेन कोल मीथेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल शुगर सॉल्यूशन, सोडियम सिल्वर एंड सिलिकन सो इन दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई सो फर्स्ट वन दैट इज एलिमेंट दैन कंपाउंड देन मिक्सचर सो एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेज होते हैं कंपाउंड्स आर ऑल्सो द प्योर सब्सटेंसेज बट मिक्सचर आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस ये हमने सबसे जो थी हमारी फर्स्ट लाइट थी फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने पड़ा था ठीक है सो एलिमेंट एलिमेंट में हमारा क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा देन टिन हो जाएगा देन सिल्वर देन सिलिकन बिकॉज इनमें क्या होता है इनमें जो है एक ही तरीके का एटम का या फिर मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या रहता है कॉम्बिनेशन रहता है ठीक है सो नेक्स्ट इज द कंपाउंड सो कंपाउंड जो है वो कई सारे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे ठीक है सो एग्ज़ाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना देन मीथेन मीथेन में कार्बन प्लस चार हाइड्रोजन ऐटम का कॉम्बिनेशन होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ऐटम का कॉम्बिनेशन रहता है सो दीज आर दी कंपाउंड सो सोनाओ मिक्सचर सॉइल शुगर सॉल्यूशन coal air soap and blood so these all are the mixture and they may be homogeneous and they may be heterogeneous right so guys this part is are over and don't forget to like share and subscribe to the channel